हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो कल का जो मेरा टॉपिक था वो था ये कि सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो बात कर ली। अब जैसे कि वर्कशॉप में आग लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उससे बचाव किस चीज़ से किया जा सकता है। सबसे पहला जो उसका है तो सबसे पहले उसको रेत का प्रयोग करेंगे, वर्कशॉप में रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए, फॉर्म फायर स्ट्रेचर रहना चाहिए। उसके बाद आपका पानी तो हो गया, मिट्टी रखना चाहिए। इस चार चीज़ का प्रयोग आपको करना चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशन बचाव के लिए। हम बात करेंगे अगर यदि वर्कशॉप में काम करेंगे तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, पानी की कैसे वर्कशॉप में काम किया जाता है। तो वर्कशॉप में काम करने के लिए सबसे पहले आपको फिटिंग होने के लिए बता रहे हैं। किस चीज़ का फिटिंग, इस चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। तो आपको वर्कशॉप में जाने से पहले लेदर एप्रन का प्रयोग करें, सेफ्टी बूट्स का प्रयोग करें, वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग करें या तो हैंड स्क्रीन का प्रयोग करें, सेफ्टी बूट्स का करें, सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग करें, सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करें। इस चीज़ का वर्कशॉप में जाने से पहले आप लोग जरूर प्रयोग करें। और वर्कशॉप में सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड वगैरह सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। जाइएगा जैसे वर्कशॉप में तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट चेक करने के बाद मशीन को चेक कीजिएगा। मशीन को चेक करने के बाद इलेक्ट्रोड होल्डर या अर्थ क्लेम को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड को चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड को चेक करने के बाद स्विच दे दिए। स्विच देने के बाद आपका जितना करंट रखना उतना ही रख दीजिए। उसके बाद आप स्विच को ऑन कीजिए ट्रांसफार्मर का। उसके बाद वहाँ से जाके करंट दीजिए। उसके बाद वेल्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का 2 मिनट का मेरा वीडियो था। धन्यवाद। आप सभी को समझ में आ गया होगा। जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा।